हाय, मैं हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं हेल्पलाइन, और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, यानी हायर स्टडीज, उनके भविष्य के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे उनके लिए हम कुछ पैसे बचा सकें। तो इन पैसों को आपको कैसे बचाना, किस तरह से इन्वेस्ट करना, और एक गलती जो अक्सर हो जाती है कि हम बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भूल जाते हैं, यानी आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग और बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग दो अलग अलग रास्ते होते हैं और दोनों को आपको ख्याल रखना है। तो आज इसी पर मैं बात करने वाली हूँ। मेरे साथ है फुल सर्कल के कल्पेश अशर, और आज कल्पेश से हम बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं और ये भी समझना है कि ये जो मैंने कहा ना दो रास्ते, इनके बीच में बैलेंस कैसे लेकर आए। हाय कल्पेश, थैंक यू सो मच मनी नाइन के लिए साथ जुड़ने के लिए। आप मुंबई में हैं, वहाँ काफी बारिश भी हो रही है। आई होप यू आर सेफ। अब बारिश रुकी, अभी भी हो रही है? नहीं, अभी भी हो रही है। एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, बट ऑलवेज डूइंग अ शो फॉर मनी नाइन इज ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच कल्पेश। वो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जो मैंने आपके साथ मनी नाइन में सबसे पहला शो किया था, चिल्ड्रंस एजुकेशन, उसकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, अब कितने पैसे मुझे जमा करने चाहिए, इस आंकड़े पर मैं कैसे पहुंचूं, क्योंकि इन्फ्लेशन और एजुकेशन इन्फ्लेशन दोनों बढ़ रहा है। देखिए प्रियंका, ये जो एक चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, ये गोल को या ये लक्ष्य को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट और एक जो होता है नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट का अगर हम पहलू देखें तो वो एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है। हर एक पेरेंट या हर एक जो हमारे यू नो पेरेंट्स होते हैं, उनका एक ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा सबसे उच्च कोटि की शिक्षा पाए, और वो भी अगर फॉरेन में पाए तो उससे भी बेहतर है। लेकिन ये एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है, और इस चीज़ का जब हम प्रैक्टिकल एक नज़रिया देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा, एक बड़ा फिगर हमारे सामने आता है, जिसको हमें हासिल करने के लिए शायद, जैसे आपने शो के पहले में कहा कि दूसरे सारे गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो ये एक बहुत ही थिन लाइन है बैलेंसिंग फॉर योर चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन वर्सेस अचीविंग योर ओन फाइनेंशियल गोल्स। मतलब आपका रिटायरमेंट हो गया, आपका एक अच्छा घर लेने की एक इच्छा है, तो इन दोनों चीजों में एक बहुत ही थिन लाइन होती है। और अगर हम चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि बाय इमोशन Every parent would always prioritize. इस चीज को parents always प्राथमिकता देंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है, because हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा पाए, अच्छा अपना करियर बनाए और अच्छे नागरिक बने और उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी हासिल हो। तो इसको लेकर बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं कि जो एक पेरेंट होता है एक निवेशक भी बन जाता है, और उसकी निवेश की जो यात्रा होती है वो किस एक रोडमैप को पकड़ के चलती है, और हमारा ये एक उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम उसको सही डायरेक्शन में जोड़े और जितना जल्दी हो सके इस गोल को हासिल करने की जो एक टाइम फ्रेम है उसको बहुत ही अर्ली स्टेज से शुरू करें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वील डिस्कस अबाउट दोज मिथ्स, कि एक आदमी एक अंदर एक भ्रम बना लेता है, जो भ्रम बोलते हैं दिमाग में, कि यही चीज मेरे चाइल्ड के हायर एजुकेशन के लिए सही है। मान लीजिए कि कोई सोचता है कि जो इंश्योरेंस के जो प्लान्स होते हैं, एंडोमेंट प्लान्स होते हैं या जो भी प्लान्स होते हैं, वो ही मेरे बच्चों के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। दूसरा कोई एक भ्रम लेके चलता है कि आज मैंने एक रियल एस्टेट खरीद लिया है तो वो रियल एस्टेट आज से 15 साल के बाद मेरे को बच्चों के एजुकेशन के लिए काम में आएगा। लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, यू स्टार्ट अर्ली, आपका चांसेस उतना बढ़ जाएगा आपका एक अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए आपके चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के लिए। तो लेकिन कहाँ करें, आपने भ्रम कहा कि शायद इंश्योरेंस को समझ लेते हैं कि वो रास्ता होगा, रियल एस्टेट को समझ लेते हैं, अगर यहाँ पर नहीं करें, जल्दी शुरुआत करें, और कहाँ इन्वेस्ट करें कल्पेश, आप कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं जब कोई बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है अपने? सो मैं सिंपल सी एक बात करता हूँ, कोई भी निवेश हम जब करते हैं तो उसका एक अंडरलाइन सिक्योरिटी पहले देख लेते हैं, और अंडरलाइन सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर हमारा निवेश का जो दायरा है वो लंबा है, कि मान लीजिए आप आज एक आपका बच्चा 2 साल का है या 3 साल का है और आपको 18 की एज में उसको हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजना है, या 21 की एज पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसको आउट ऑफ इंडिया भेजना है, तो आपके पास 15 से 18 साल का एक लंबा दायरा है। और फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल प्रोफाइल को देखकर ऑलवेज इक्विटी,
इज द मोस्ट प्रेफर्ड रूट। और इक्विटी में अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं समझते या आपकी रिसर्च नहीं है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बहुत ही सिंपल सा एक माध्यम बन जाता है आपको इस गोल में आगे बढ़ाने के लिए। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी आप अगर एक अच्छा सिलेक्शन करते हैं, बैलेंस रखते हैं बिटवीन लार्ज कैप्स और मिड कैप्स, तो ये 15 साल का जो एक अच्छा दायरा है, आई थिंक आपको 75-80% आपके गोल के करीब तो ले ही जाएगा, क्योंकि किसी चीज की गारंटी तो रहती नहीं है। लेकिन स्टार्ट अर्ली और इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके पास समय होना चाहिए। तो कल्पेश, लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस दैट आर कमिंग आवर वे। सबसे पहले मैं अक्षय का सवाल लूंगी। हेलो अक्षय जी। अक्षय जी ने ये सवाल ना हमें कल भी भेजा था, तो मैंने ये सवाल सेव भी किया हुआ था और अक्षय लाइव भी जुड़ गए। अक्षय पूछ रहे हैं, शैल आई इन्वेस्ट इन सुकन्या समृद्धि योजना फॉर हायर स्टडी ऑफ माई डॉटर और इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आई होप अक्षय हम आपकी मदद कर पाए। तो सुकन्या समृद्धि योजना काफी पॉपुलर है कल्पेश, बच्चों के लिए, खासतौर पर अगर बेटी है किसी को तो। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? उसमें 7.6% का एक इंटरेस्ट मिल रहा है, विच इज प्रीटी नाइस, और पूछ रहे हैं आप म्यूचुअल फंड, व्हाट डू यू सजेस्ट? सो आई थिंक दोनों जो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, एंड स्पेशली सुकन्या समृद्धि स्कीम अगर आप गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट करते हो और उसमें भी दायरा आपका लंबा है और उसमें 7.6% का जो रिटर्न है समझ के चलिए, उसका जो प्रोडक्ट है आपको टैक्स फ्री मिलता है, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। और आज की तारीख में 7.6 टैक्स फ्री का जो एक प्रोडक्ट है, आई थिंक उससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ आपको एक ऐसा प्रोडक्ट भी चाहिए जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, जो आपको 7.6 से ज्यादा, मतलब मान लीजिए एक एवरेज अराउंड 12-14% ओवर अ 10-year टाइम फ्रेम CAGR यानी कि सालाना एक रिटर्न दे। तो इन दोनों का एक असॉर्टमेंट लेके आप अगर चलते हैं, 50-50 भी दोनों में डिवाइड कर देते हैं अपना एक इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट। लेकिन सिर्फ सुकन्या समृद्धि पे इसके ऊपर आप निर्भर ना रहिए, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का आपको सहारा, एक आपको जो एक टर्बो बूस्ट चाहिए वो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही मिल पाएगी। और आगे चल के आपको ये भी ध्यान रखना है, और मैं सारे आई थिंक जो भी हमारे प्रश्न है सबको लागू होता है, कि एजुकेशन इन्फ्लेशन को पकड़ के चलिए। कि आज आपने एक गोल तय किया है कि आपको मान लीजिए 50 लाख रुपए आपके बच्चे के लिए एजुकेशन चाहिए, वो आज की कीमत है, लेकिन आज से 15 साल के बाद वो कीमत शायद 125 करोड़ हो जाए। तो आपका जो टारगेट है, क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन हमारे नॉर्मल इन्फ्लेशन जैसे 5 या 6% पे नहीं बढ़ता, वो 10-10% की छलांग मारता है, और वो आज 1 करोड़ या 125 करोड़ का टारगेट आप लेके चलेंगे, तो आपको ये समझना है कि आपको जो 10 या 15 साल का जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है 1.25 को टारगेट करके चलना है। Absolutely. तो अक्षय, अच्छा युवा कि आप सुकन्या समृद्धि योजना और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों में डिवाइड कीजिए। अच्छा, ये सवाल जो है ये पूछ रहे हैं राहुल, इंटरेस्टिंग सवाल है कि इनकी 6 साल की एक बेटी है जिसके लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना में अभी निवेश कर रहे हैं, सिंस हमने अभी इस पर एक क्वेश्चन भी लिया। अभी अपने बेटे के लिए निवेश शुरू करना चाहते हैं जो कि 1 साल का है, हर महीने 10,000 जो है ये जो है वो निवेश कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है? अगर म्यूचुअल फंड आप कहेंगे तो कहाँ सजेस्ट करेंगे? जब कोई बच्चे के लिए प्लान कर रहा हो, बच्चे की उम्र 1 साल है, हर महीने 10,000 का निवेश करेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक आप बहुत ही एक एडवांस में प्लानिंग कर रहे हो, बच्ची के लिए ऑलरेडी कर लिया है, और इनफैक्ट बच्चे के लिए आपके आप 1 साल की उम्र से कर रहे हो, तो मान लीजिए आपके पास एटलीस्ट 15-20 साल का एक बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम आप लेके चल रहे हो। तो इसके लिए मैं एक आपको सिंपल कैलकुलेशन देता हूँ, आप अपना हिसाब लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आज 50 लाख का टारगेट अगर रखा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली, कि 50 लाख का आपको कॉर्पस इकट्ठा करना है 15 साल में फॉर एजुकेशन, ओके, और आप एक SIP भी करते हो 15 साल की SIP पर मंथ, तो आपको अमाउंट चाहिएगी 10,500 रुपए। तो 10,500 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स अगर आप करते हो एंड ग्रोइंग एट एन मॉडेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम इन अ इक्विटी म्यूचुअल फंड, आप 50 लाख का एक टारगेट हासिल कर सकते हो। अगर आपका मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टारगेट उससे डबल है, तो ऑब्वियसली बात है तकरीबन ये जो 10,500 का जो अमाउंट मैंने बताया उसको आपको अराउंड 18-20,000 पर मंथ तक पहुंचाना पड़ेगा। अब इसमें स्टार्ट अर्ली का मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू कहना चाहता हूँ, कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम अगर अपना बच्चों का प्लानिंग हमें 18 साल या 20 साल की उम्र में उसको किधर भेजना है, अराउंड 13 या 14 साल की उम्र से उसको प्लानिंग करते हैं और उनके पास हाथ में सिर्फ 4 या 5 साल है,
तो अगर हम यही एक बेंचमार्क लेके चले कि हमको 50 लाख का एक आंकड़ा पहुंचना है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो वही इन्वेस्टर को पर मंथ अराउंड 60,000 की SIP करनी पड़ेगी अगले 5 सालों में. और वही अगर 15 साल पहले करते हैं तो सिर्फ 10,500 में आपका अमाउंट रीच हो जाएगा. तो आपका पॉइंट प्रूव हो गया. कल्पेश की जल्दी शुरू कीजिए. कल्पेश ने पूरी कैलकुलेशन बता दी है मोटिवेट करने के लिए, जल्दी जितनी शुरू कर देखिए. लेकिन कुछ लोग कितनी जल्दी शुरू करना चाहते हैं, जैसे अरुण का सवाल मैं लेती हूँ. ये पूछ रहे हैं कैन वी मेक इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रंस फंड बिफोर देयर बर्थ. यानी आई मीन लॉट्स ऑफ पीपल प्लान ना, वो ओवर प्लानिंग होती है कि अभी बच्चा हुआ नहीं लेकिन होगा फ्यूचर में, तो उसके लिए अभी से ही सेव करें. आप क्या एज अ फाइनेंशियल प्लानर उनको कहते हैं? ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा डिविएट करूंगा अपना आंसर कि आप बच्चों के लिए प्लानिंग करते अच्छा है, लेकिन इतना भी इमोशनली ओवरवेल्म ना हो जाइए कि बच्चा होने से पहले ही आप उसकी प्लानिंग करें. क्योंकि एज अ कपल, एज एन इंडिविजुअल, आपके भी खुद के ख्वाब हैं, आपके भी खुद के गोल्स हैं, और जिंदगी में अलग अलग एक यू नो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं. तो आपको पता नहीं कि आगे चल के आपका करियर किस ओर मुड़ने वाला है, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है. और दूसरी बात यह है ना प्रियंका, एक इमोशनल एस्पेक्ट, जो मैंने नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात की, कि बच्चों का एजुकेशन को लेके पेरेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ अपना एक नजरिया इसमें डाल देते हैं. आज के तारीख में बच्चे जो है वो भी काफी स्मार्ट है, तो हमें इनको भी मान लीजिए कि आज के तारीख में आप भले ही 1 साल की उम्र से उसका प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जब 8 या 10 साल का हो जाए तो उसका भी थोड़ा व्यू या उसकी प्रेफरेंसेस भी आप इसमें मिला लीजिए कि आपके बच्चे को क्या करना है. आप बहुत जल्दी सोच रहे हैं, अभी अगर बच्चा नहीं है तो जस्ट अभी थोड़ा चिल कीजिए. आई थिंक व्हाट ही शुड डू, सवाल ऐसा ही है, व्हाट ही शुड डू इज ही शुड स्टार्ट क्रिएटिंग वेल्थ फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिमसेल्फ राइट नाउ, एंड देन व्हेन द किड्स कम्स अलोंग देन यू कैन प्लान दैट वे. मानिक का भी सवाल यही है, तो विल यू कीप द सेम आंसर? मानिक पूछ रहे हैं, आई एम ऑलरेडी रनिंग अ 50,000 सिप for me and my wife's wealth creation, which is very good. 50,000 bahut acha amount hai Manik. Planning to accumulate 50 lakh for our future son and daughter, marriage and education in next 20 years. What should be the SIP cost? To chaliye abhi ye jawab to aapne de diya ki future ka nahi, lekin abhi jo 50,000 ki SIP kare, is it good enough? Oh, it's a fantastic thing in the long term, because जो मैंने एक फिगर भी आपको बता दिया कि यू नो अगर आप 5 साल भी एक सिप करते हो 61,000 की, तो सिर्फ 5 साल में आप 50 लाख पहुंच सकते हो. तो मान लीजिए अगर उसको हम 3 गुना ज्यादा बढ़ा दे 15-20 साल की अमाउंट से, तो आप खुद, अभी मेरे पास फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अमाउंट कितनी जोड़ सकते हैं. और बाद में एब्सोल्युटली गुड अमाउंट, एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल मंत्रा फॉर दैट मायना एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स, that in case even if you are doing a normal investment, see, children education ki baat nahi kar raha hu, ki aapki jo income hai usme se aap without fail 20% aapko investment karna hi karna hai mandatorily. Okay. 20% should be invested, not saved. I'm talking about invested in a good product which is for the long term. राइट, सेव नहीं इन्वेस्ट कर, मनी नाइन का मोटो भी है. अच्छा, अक्षय का सवाल हमने सबसे पहले लिया था, वेरी इंटरेस्टिंग. ही इज आस्किंग इज देयर एनी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, और इफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज फॉर लॉन्ग टर्म, शुड आई इन्वेस्ट 100% इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फॉर गेटिंग बेटर रिटर्न? नो, सो योर आंसर इज दैट व्हाट यू रिक्वायर इज टू इन्वेस्ट इन अ इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड. ओके, दैट इज द अंडरलाइंग सिक्योरिटी. द अंडरलाइंग सिक्योरिटी इज इक्विटी. Okay, that is where people also get carried away by investing in the insurance plans, which are the endowment plans, and which have the tagline of for your child's benefit and all the banners drawn around it for child prosperity. Because ultimately, endowment plans even don't beat inflation. And what you need to invest for the long term, I'm talking long term, is in equity-based mutual funds. And when you're creating a portfolio, be it for children's planning or something, you cannot keep a concentrated small cap or a large cap portfolio. Diversification is the name of the game. So you can invest for the long term. Say, for example, just a no-brainer, you don't need to be a CFP or a, you know, investment guru. You can just invest, say, for example, 30% each in a large cap, flexi cap, and a mid or small cap. Simple. Okay.
not the full amount in small cap. Akshay, was it's too risky. Even if you for a long time, Exactly. So expert भी यही कह रहे हैं और experts के साथ रह रहे हैं कि मैं भी बहुत कुछ pick कर रही हूँ. Okay, Rupali Sharma का सवाल लेती हूँ. I have an 8-year-old daughter and a 4-year-old son. I want to invest ₹1.5 lakh for the future. What are the best investment option? I think equity mutual fund. कुछ mutual fund आप suggest करना चाहेंगे और वो children's plan उनसे दूर रहना है ना कल्पेश? बिल्कुल. जो चिल्ड्रंस प्लान, इसमें आप एक चीज समझिए, प्लानिंग आप कर रहे हो अपने चिल्ड्रन के लिए. बच्चे आपके लिए प्लानिंग नहीं कर रहे. तो आप जो हो, पहले आपको सोच लगानी है कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हो और किस चीज में कर रहे हो. उसके लिए मैंने शो के पहले ही कहा था कि आप अगर मान के चलते हो कि यू नो यू आर डूइंग अ ग्रेट थिंग बाय बाइंग अ फ्लैट और अ प्लॉट और अ रियल एस्टेट थिंग एंड यू वॉन्ट टू टैग इट फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन. मान लीजिए 10-15 साल के बाद आपका वो एजुकेशन का गोल आपके सामने आ गया और वो लैंड का या जो प्रॉपर्टी का कोई लिटिगेशन आ गया, तो आपका वो गोल पूरा नहीं हो पाएगा. तो व्हाट यू नीड टू इन्वेस्ट इज इन समथिंग व्हिच इज वेरी लिक्विड एंड व्हिच इज मोर मॉनिटर्ड एंड ट्रांसपेरेंट. तो अगर आपका जो सवाल है रूपाली जी कि आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 1.5 लाख फॉर देयर फ्यूचर, आई थिंक यू कैन डिवाइड दिस मनी टू बी वेरी सेफ बिटवीन यू नो इफ द गर्ल चाइल्ड इज देयर द सुकन्या समृद्धि स्कीम and part of it in an equity mutual fund. So again, keep life simple. Just invest 50-50% in it and you will achieve your goal, because fixed income will take care of the volatility. It will not move. And the equity will give it that booster, you know, that injection to move forward. ठीक है, good. So अब एक और सवाल quickly मैं लूंगी विशाल शाह का. मेरी उम्र 30 साल है, मेरा बेटा 2 साल का है, उसके कॉलेज की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए का फंड इकट्ठा करना चाहता हूँ, कितनी मंथली सिप मुझे करनी चाहिए? आई थिंक जो एक कैलकुलेशन मैंने दिया था, तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट अगर आप पकड़ के चलो तो 25 साल का दायरा है, 50 लाख आपको जोड़ने हैं, सॉरी 15 साल का जो एक टाइम फ्रेम है, आई थिंक एनीथिंग टू बिटवीन 5 to 10,000 पर मंथ यू शुड सेट असाइड फॉर दिस गोल. एंड हियर ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड हियर दैट व्हेन आई से अ सर्टेन अमाउंट, it doesn't mean that is your only life goal, because in your life there are many other goals. So aapko apne retirement pe bhi itna dhyan dena hai, aapko wealth creation bhi karni hai, because everybody I would like to tell that you know for your child's higher education, if you're not planned, at least you have an option of taking an education loan. I would not recommend it, but you still have an option. There is an education loan available, but if you're not planned for your retirement, there is no retirement loan. You have to fend for yourself. Or we are not that equipped like the Western world that we have a social security to take care of us. And private sector does not have a pension scheme like what it is. The public sector, government, yes. But we have to fend for ourselves and create our own financial stability. Yes, so please इन दोनों गोल्स के बारे में सोचते रहेगा. यही नोट पर मैं रैप अप करूंगी. लेकिन कल्पेश, अगर आप मेरे शो में, तो मैं आपको ऐसे तो जाने नहीं दूंगी. आज है फ्राइडे और हम एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से जुड़ा क्योंकि आप बहुत ही शानदार मूवी बफ है और आप पिक्चरों से बहुत प्रेरणा लेते हैं. तो मैं चाहूंगी कि आज के टॉपिक को अगर मैं कहूँ कि किसी पिक्चर्स के डायलॉग या किसी फिल्म से आप रिलेट, किस फिल्म से आप करना चाहेंगे जाते जाते, मतलब ये पार्टिंग नोट जैसा? सो इनफैक्ट चिल्ड्रंस एजुकेशन पे भी मैं कुछ कहूंगा और अपने रिटायरमेंट पे भी कुछ कहूंगा, और इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता फिल्म बागबान की बात किए बिना, क्योंकि हाँ. बागबान में अमिताभ बच्चन जी अपने 4 बच्चों को मानते हैं कि वो अपनी 4 FDs हैं, 4 फिक्स डिपॉजिट है जिन्होंने इनको, अमिताभ जी ने उनको बहुत ही पाल पोस के प्यार से बड़ा किया था, और वो 4 FDs वो समझते थे कि वो मुझे बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देंगी, और बेचारे बच्चों ने जो पेरेंट्स का हाल किया वो तो हम पिक्चर में देख चुके हैं. तो पूरा अपना जो भी जोर है आप अपने एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन पे जरूर दीजिए, लेकिन प्लीज मत भूलिए कि आपकी भी खुद एक जिंदगी है, आपकी भी रिटायरमेंट है, और इन दोनों पहलू को देख के चलना है, क्योंकि वो फिल्म है उसमें तो वो अमिताभ बच्चन है, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे. हमें अपने लिए आज से प्लानिंग करनी है. राइट, थैंक यू सो मच कल्पेश, दैट वाज सच अ फन चैट, और आपने जिस तरह से सम अप किया मजा आ गया. बागबान सोचिए और
बच्चों के लिए तो सेव कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, अपने रिटायरमेंट के लिए। सो हम कल्पेश को बाय कह रहे हैं, लेकिन थैंक यू सो मच जो लोग जुड़े हुए थे लाइव हमारे शो में। आज मैं ज्यादा सवाल नहीं ले पाई, मैं फोकस करना चाहती थी उन सवालों पर जो अपने बच्चों के एजुकेशन से जुड़े हुए आ रहे थे। बट थैंक यू सो मच, और चुप सवाल छूट गए वो मैं लूंगी, प्रॉमिस। जाते जाते इतना ही कहूंगी कि मानी नान के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ, और भी एक्सपर्ट्स आएंगे आपकी मदद करने के लिए ही मनी नाइन है। तो मेरे एक्सपर्ट्स आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स पर सलाह देते रहेंगे। आज के लिए बाय बाय, हैव अ गुड वीकेंड।